कल ने विजन की बात शेयर की है, तो शायद टुडे इज द राइट डे दैट आई शुड शेयर दिस सत्संग. एंड बेसिकली मुझे गुरुजी से जुड़े हुए मोर देन 9 मंथ्स हो गए हैं. अब मैं जुलाई में गुरुजी से जुड़ी थी, और मैं जुड़ी भी ऐसी थी, मेरा फर्स्ट सत्संग था. एंड जैसे ही मैं गई एंड मैं वहाँ बैठी और मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, तो आई कुड सी माई फादर. My father passed away in 2010 because of cancer, बहुत ज़्यादा suffering के बाद. और उस पहले ही सत्संग में I could literally feel him sitting next to me. I can see what he's wearing, I can see his watch in his hand, everything. और एकदम से मैं connect हो गई और मैं पूरे सत्संग में उनसे बात कर रही थी. And it was a wonderful, wonderful moment. Thank you Guruji for that. And so मैंने फिर सत्संग में आना शुरू कर दिया, गुरुजी से जुड़ गई, सारे सत्संग से अटेंड करना शुरू किया. अच्छा, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा डिप्रेसिव स्टेट पे चल रही थी, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ काफ़ी ख़राब थी, मेरा जॉब बहुत ख़राब चल रहा था, एवरीथिंग वॉज नॉट एट द राइट प्लेस. मतलब सब तरफ से आई वॉज वेरी परेशान. मुझे ऐसा लगता था दैट व्हाई द हेल आई एम हियर, मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर देयर इन माई माइंड. सो जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे वो पीस जो मैं ढूंढती रहती थी सब जगह, और मैं बहुत क्लबिंग करती थी, बहुत पार्टी करती थी, सब जगह जाती थी, पर मुझे कहीं भी वो पीस नहीं मिलता था. वापस आके सेम स्टेट पे होती थी मैं. तो जब मैं सत्संग में आना मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे वो एक पीस जो मैं ढूंढ रही थी वो मिलना शुरू हुआ. और मैं बहुत रिलैक्स मोड पे धीरे 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 मुझे समझ आने लगा दैट वेयर माई लाइफ इज हेडिंग टू एंड वॉट एग्जैक्टली आई शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इन माई लाइफ एंड वॉट इज़ द पर्पज ऑफ माई लाइफ, यू नो. एंड देन मैं फिर जैसे ही जुड़ी, 1 मंथ के अंदर ही मेरी जॉब का हो गया, और मैं रात में सोई और मैं मॉर्निंग में जैसे ही उठी तो आई गॉट दिस विजन एंड द नेम ऑफ रेड टैग केम टू माई माइंड. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम. रेड टैग इज माई प्रेजेंट कंपनी वेर आई एम वर्किंग राइट नाउ. इमीडिएटली आई अप्रोच द HR ऑन LinkedIn. जैसे ही मैंने फर्स्ट मैसेज किया, इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक. शी आस्क्ड मी टू गिव सेंड मी माई रिज्यूमे. आई सेंट इट. In 1 week, I got the job, I got the interview done, I was in Red Tag. I never thought that, I never imagined that in the whole 2 years in Dubai, my job life was totally, sorry to say this, but it was a shit life. And अचानक ही Red Tag हो गया. I was wanted to go into buying department, मैं buying में आ गई. आज everything I'm doing because of him. हर रोज़ मेरा बॉस इतना खुश होता है, मुझे अप्रिशिएट करता है, सब करता है. मैंने कभी नहीं सोचा था. मैंने तो सारी होप्स ही होती थी कि मैं लाइफ में कभी कुछ कर भी पाऊंगी. सो जॉब का हो गया 1 मंथ के अंदर. फिर मेरी रूममेट, मी एंड माय रूममेट, वी आर लिविंग टुगेदर. तो शी वेंट टू इंडिया फॉर सम वर्क फॉर 15 डेज. दैट वॉज द टाइम आई गॉट रियली कनेक्टेड विद गुरुजी. सोते जागते जैसे दिलीप अंकल ने बोला, ओनली मी एंड गुरुजी वर देयर इन द हाउस. सोते जागते उठते बैठते मैं सिर्फ गुरुजी से बातें करती थी. और मुझे, मैं यही सीखती थी सत्संग में आके कि खुल के गुरुजी से बात करो. जस्ट लाइक यू नो, आई वॉज टॉकिंग टू माई फादर, आई यूज टू टॉक टू हिम लाइक दैट. मैं गुरुजी को बोलती थी, ये देखो कैसा निशान पड़ गया है, ये देखो कितनी इचिंग हो रही है, ये देखो मेरे पास कपड़े तक नहीं है यार, आप मुझे कपड़े भी नहीं दिलाते हो. मतलब लिटरली एवरी सिंगल थिंग. गुरुजी दांत में दर्द हो रहा है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे चश्मा लग गया है, हर एक चीज, हर एक मिनट. घर में घुसते ही बोलती थी, हाँ मैं आ गई, आज मेरा ऑफिस ऐसा था. पूरी बातें करती थी, बिकॉज देयर वॉज नोबडी विद मी. आई वॉज लिटरली अलोन, देयर वॉज नोबडी. बीइंग द थर्ड चाइल्ड इन द हाउस, आई वॉज द मोस्ट पैम्पर्ड वन. और जब मैं यहाँ आई तो माई लाइफ got like literally upside down. There was nobody with me. ठीक है, friends होते थे, सब होते थे, सब दारू पीते हैं, बाहर चलते हैं, घूमते फिरते हैं, तब तक सब friendship है, सब अच्छा है. उसके बाद कोई आपको क्या पूछ ही नहीं रहा है, कुछ पता ही नहीं है, कोई है कोई नहीं है. नो, दिस इज रियलिटी, दिस इज हाउ लाइफ इज. यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मीन भी होते हैं लोग, कि इनसाइड आउट भी कुछ होता है, कि यू नो सामने कुछ है और अंदर कुछ है. मुझे ये पता ही नहीं था, बिकॉज आई वॉज नेवर ब्रॉट अप लाइक दैट. I was always been the most pampered one in my friends and my family everywhere. तो जब मैं यहाँ आई तो I could not handle people, I could not handle life. गुरु जी के आने के बाद I got the direction, you know, how life should, how one should lead life. ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी नहीं करती, मैं फ्रेंड्स से नहीं मिलती. उन्होंने सिखाया कि बैलेंस कैसे करना है लाइफ में, क्या कब करना ज़रूरी है, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए. हर एक चीज़ मैंने उनसे सीखी है और मैं सीख रही हूँ अभी भी. एंड देन व्हेन माय रूममेट वाज नॉट देयर, आई यूज्ड टू आस्क गुरुजी ऑल द टाइम कि हमें सबका पता है एक दूसरे का, हम
सत्संग में सब मिलते हैं, बात करते हैं, सबका पता है कौन कहाँ रहता है, कौन कैसे रहता है। आप मुझे ये बताओ आप कैसे रहते थे, बिकॉज जब आप थे तब मैं नहीं थी, मैं तो तब आपसे मिली नहीं थी, तब तो आई वॉज वेरी स्मॉल। तो मुझे ये जानना है कि आप कैसे रहते थे, बिकॉज आई गॉट दिस क्यूरियोसिटी कि मुझे गुरुजी के बारे में जानना है। अगर मैं आपसे कनेक्ट हुई और आई कैन लिटरली कनेक्ट विद यू, आई कैन हियर यू, आई कैन टॉक टू यू, आई कैन सी विजन्स अबाउट यू, सो आई वॉन्ट टू नो दैट हु आर यू, वॉट आर यू, वाई आई एम विद यू। सो मैं ये सारी बातें गुरुजी से करने लगी, और जब मैं करने लगी तो एक दिन मैं लेटी, मैंने शब्द चलाया, वो प्लेलिस्ट आज तक मुझे अपने यूट्यूब पे या अपने फ़ोन पे नहीं मिली है। अमेजिंग शब्द थे, एक के बाद एक के बाद एक, एंड आई वॉज इन माई हाफ स्लीप, और मैंने आंखें बंद करी और मैं आराम से बैठी हुई बेड साइड ड्रॉर पे, मैंने गुरुजी को लिटरली चिपकाया हुआ है। आई एम सो सॉरी, अभी तक मैं फोटो फ्रेम भी नहीं करा पाई हूँ बिकॉज बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज थे मुझे बीच में। सो बेसिकली मेरे कर्म कट रहे थे, अभी भी कट रहे हैं और बहुत अच्छे से गुरुजी कटवा रहे हैं। सो मैं लेटी और मैंने आंखें बंद की हुई थी, एंड आई गॉट दिस विजन, और यू कॉल इट ड्रीम, कि मैं मैं गलियों में चलती जा रही हूँ, और बहुत ही अंधेरी गलियाँ हैं, कच्चे कच्चे रास्ते हैं, मैं जा रही हूँ, और कोई मेरे आगे चल रहा है, मुझे लीड कर रहा है, एंड मैं चलती जा रही हूँ। चलते चलते छोटा सा घर आया है और मैंने उसमें एंटर किया है। जैसे ही मैंने घर में एंटर करते ही एक बेड पड़ा है, लिटरली उस रूम में कुछ नहीं है, बहुत छोटा रूम है, एक बेड पड़ा है और एक गद्दी रखी है, और इधर एक विंडो है, छोटी सी विंडो है, और मैं जैसे घुसी उस घर में एंड आई कुड सी गुरुजी, और गुरुजी ने बोला ये है, तो मैंने बोला ये है। तो मुझे अभी तक वो घर अच्छे से याद है, वो गलियां मुझे याद हैं, वो बंजर जमीन मुझे याद है, और वो बेड भी मैंने देखा, वो गद्दी मैंने देखी, वो विंडो मैंने देखी, एंड एकदम से मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने अपने सारे शब्द पूरे किए, फिर मैंने मंत्र जाप किया और मैं सो गई। उसके बाद समहाउ इट हैपेंड कि हम लोग एक सत्संग में जा रहे थे, देर करना था, रूपाली आंटी थी और सुनील अंकल थे, एंड आई जस्ट हम बात करते हुए ऐसे ही मैंने उनसे शेयर किया कि मैं, क्योंकि आप किसी से जनरली ऐसे शेयर नहीं करते हो, यू टेक अ लिटिल टाइम कि मुझे ऐसे कोई ड्रीम आया है, ऐसे विजन आया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरा वहम है, मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, एंड मैंने उनसे शेयर किया। सो देन शी टोल्ड मी कि आप जो ये डिस्क्राइब कर रहे हो ना, ये तो गुरु जी का जलंधर वाला घर है। एंड दैट मोमेंट आई वॉज लाइक oh my god, I was in his house, which means I literally saw his house, and I was like jai jai guruji, matlab aap se na, guruji se na koi bhi baat kar sakta hai, kaise bhi baat kar sakta hai, it's just the belief. Even now I can see him sitting here, every satsang when I enter I see him sitting right there, I can literally tell what clothes he's wearing. मैं कई बार उनको, कमिंग फ्रॉम द डिजाइन बैकग्राउंड, मैं कई बार उनको ये बताती हूँ आप ये पहनो ये अच्छे लगोगे, आप ये कलर पहनो ये आप बहुत जचेगा, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। सो आई डोंट नो व्हाई आई एम टॉकिंग टुडे सो मच, बट यस, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल। जैसे अंकल ने बताया, मैं अमृत वेला जानती भी नहीं थी, आई एम फ्रॉम अ नॉन पंजाबी बैकग्राउंड, इट्स जस्ट दैट माई बेस्ट फ्रेंड सिंस स्कूल, शी वॉज अ सरदारनी, तो शुरू से उनके घर आना जाना एंड एवरीथिंग वो सब था। अमृत वेला आया और सुनील अंकल ने बताया, जाना शुरू कर दिया, मैं तो विदाउट अटेंडेंस पहुंच जाती हूँ, सॉरी अंजलि आंटी, मेरी कभी भी अटेंडेंस नहीं जाती है, मुझे बस सुनील अंकल बोलते हैं और मैं बोलती हूँ चलो, वो जैसे ही बोलते हैं, अच्छा जब मैं हाँ कर देती हूँ तो आई फील इट इज़ अ बिग डिसरिस्पेक्ट अगर मैं ना करूँगी, तो अगर मैं 2 बजे भी लेटती हूँ तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ आपको मुझे उठाना है क्योंकि मैं हाँ बोल चुकी हूँ। यू विल नॉट बिलीव, 2:50 पे वो मुझे उठा देते हैं, 2:50 पे मुझे उठा देते हैं मुझे, और मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि मैं थकी हुई हूँ या मुझे नींद आ रही है या मुझे सोना चाहिए। लाइफ हैज कम्प्लीटली चेंज्ड, लाइफ हैज बिकम सो वंडरफुल, यू नो, इन सच शॉर्ट स्पैन ऑफ 9 months, एंड ऐसे इतने सारे सत्संग, मतलब बैक टू बैक कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक और मैं आपसे शेयर करती हूँ, जैसे सब बोलते हैं कि एक बंदा घर का आ जाए तो गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं, सो माय सिस्टर, When I got connected to Guruji, everybody in my family got shocked. जो लड़कियाँ रात भर पार्टी करती है वो सत्संग में जा रही है, तो मेरी सिस्टर ने मुझे लिटरली बोला कि तू पागल वागल तो नहीं हो गई है, तो मैंने बोला ये वैसे सत्संग नहीं होते, देर इज नो प्रीचर, कोई ऐसे गुरु जी नहीं है जो आपको प्रीच कर रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं दही खा लो ये खा लो वो खा लो, दिस इज डिफरेंट, दिस इज एंटायरली डिफरेंट।
घर वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा अब आप देख लेना, और मैं तो आपके पास आ गई हूँ, तो आई थिंक सब हो जाएगा मैनेज। तो मैंने करना शुरू कर दिया। मेरी सिस्टर एक दिन कहती है, मैं तब मानूंगी, मैं बहुत ज्यादा गुरुजी उनसे बातें करने लगी थी। तो माय सिस्टर सेड वन डे कि मैं तब मानूंगी तेरे गुरुजी को अगर मेरे लिए कुछ करके दिखाए। तो मैंने कहा सुना नहीं आपने मैंने क्या बोला, मांगो नहीं मनो। तो माय सिस्टर सेड ऐसे कैसे मान लूं, यू नो, बिकॉज माय सिस्टर हैज हर ओन प्रिंसिपल्स। सो शी इज लाइक आई डोंट नो हिम, एंड शी नाउ दैट नाउ गुरुजी ने उनको बुलाया भी थ्राइस, शी वेंट टू बड़े मंदिर ऑल्सो, जय गुरुजी। सो आई सेड ओके फाइन। और अचानक से ऐसा हुआ कि गुरुजी ने बोला माय सिस्टर इज अ टीचर, शी इज अ वेरी गुड टीचर कमिंग फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, नाउ शी इज डूइंग वेरी वेरी वेल फॉर हर ओन। सो शी सेड मेरे स्कूल में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है एंड आई हैव टू अप्लाई फॉर जॉब नाउ, कल्चर बहुत खराब है। शी इज इन दिल्ली जनकपुरी, सो शी इज लाइक कल्चर बहुत खराब हो गया है और टीचर्स बहुत गॉसिप करते हैं, ये करते वो करते हैं, आई थिंक आई एम डन विद दिस स्कूल। सो आई सेड ओके फाइन, लेट्स जस्ट यू नो स्टार्ट अप, यू स्टार्ट अप्लाइंग टू द स्कूल्स एंड एवरीथिंग एंड लेट्स सी समथिंग कम्स अप। तो जब मेरी बहन ने ये बात बोली तेरे गुरुजी अगर मेरे लिए कुछ करते हैं तो, अनदर सत्संग आई गॉट दिस मैसेज, टेल हर टू अप्लाई टू माउंट सेंट मेरीज। माउंट सेंट मेरीज इज अ वेरी वेरी वेल रिकग्नाइज स्कूल इन दिल्ली। माई सिस्टर शी इज फ्रॉम हिंदी मीडियम, तो उतना अच्छा, उतना शी इज नॉट दैट वेल स्पोकन, और यू नो शी इज इन अ इंटरनेशनल स्कूल, बट देन बहुत अगर थोड़ा हाई स्टैंडर्ड स्कूल के लिए होता है तो आप सोचते हो दैट, मैं सोच भी नहीं सकती, जैसे अगर मैं सोच लूँ कि मुझे लुई विटॉन में काम करना है, आई एम इनटू रेड टैग राइट नाउ, आई विल बी लाइक मैं एलवी में अभी तो नहीं जा सकती, आई विल टेक अ लिटिल टाइम, सम थिंग्स लाइक दैट। सो जब मेरी सिस्टर का ये हुआ तो आई गॉट दिस मैसेज, ओनू बोल माउंट सेंट मेरी अप्लाई कर। आई वेंट होम एंड गुरु जी का आदेश इज लाइक पत्थर की लकीर फॉर मी। चाहे कुछ हो जाए, किसी का मैसेज हो, कुछ हो, आई मेक श्योर कि मैं दूं। चाहे मेरे से बात बंद हो जाए, झगड़े हो जाए, हुआ है मेरे साथ, पीपल आर लाइक ये अपने मन से बना रही है, बट बच्चा बोलता है तो आप मान जाते हो, अगर मैं बोल रही हूँ तो आप नहीं मानोगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। सो देन ओके फाइन, आई टोल्ड माई सिस्टर ओके लेट्स अप्लाई टू माउंट सेंट मेरीज, वीकेंड था। माई सिस्टर वॉज लाइक तू पागल है, यहाँ इस स्कूल में मैं, मेरा नहीं होगा एंड आई विल नॉट अप्लाई इन दैट स्कूल, आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग टू अदर स्कूल्स। आई वॉज लाइक गुरु जी ने बोला है एंड इफ यू ट्रस्ट मी, इफ यू बिलीव मी, इफ यू लव मी, प्लीज अप्लाई। और हमने बैठ के, और मैं सत्संग में थोड़ा लेट भी हो गया, उसका पूरा रिज्यूमे अपडेट कराया, सब कराया एंड शी अप्लाइड। अनदर वीक शी गॉट अ कॉल फ्रॉम माउंट सेंट मेरीज, जय गुरु जी, दे कॉल्ड हर फॉर इंटरव्यू एंड गुरु जी इवन टोल्ड मी ओनू बोल साड़ी पहन के जाएं। आई कॉल्ड हर, आई वॉज लाइक शी कॉल्ड मी, शी वाज लाइक आई हैव बीन कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो मैंने बोला जय गुरु जी, अगर यहाँ तक आ गए हो ना, आगे भी पहुंच जाओगे, पर प्लीज साड़ी पहन के जाना। साड़ी पहन के जाना, मेरी साड़ी के चक्कर में थोड़ा लेट भी हो गई। सो देन शी वेंट एंड द इंटरव्यू वेंट रियली रियली वेल। वी नेवर होप्ड, वी नेवर थॉट अबाउट इट, शी नेवर थॉट अबाउट इट, बिकॉज इट इज गुरु जी हु इज मेकिंग इट पॉसिबल। द इंटरव्यू वेंट सो वेल एंड नाउ यस वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, विच गुरु जी नोज, अगर उन्हें उनको पता है पहुँचाना है तो पहुँचा देंगे। बट येस दिस इज ट्रू, आई वॉज दी वन हु गॉट कनेक्टेड एंड नाउ ही इज एक्चुअली ब्लेसिंग माई होल फैमिली। सो दिस इज समथिंग विच इज लाइक आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट इस टाइम पे, इस एज में, इस जैसे सब बोलते हैं ना कलयुग चल रहा है एंड एवरीथिंग, यू नो आई डोंट नो से बड़ी बड़ी बातें, बट देन इस टाइम पे अगर वी हैव अ सुप्रीम पावर हियर राइट इन फ्रंट ऑफ अस सिटिंग एंड डूइंग थिंग्स फॉर अस, दिस इज लाइक एन अमेजिंग थिंग टू हैपन एंड आई फील सो 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 ब्लेस्ड। मतलब लिटरली देयर वाज अ टाइम कि मैंने सोच लिया था आई विल जस्ट कमिट सुसाइड एंड आई एम नॉट जोकिंग, क्योंकि यहाँ कोई नहीं था, मैं ऑफिस में खड़ी रहती थी और मैं सोचती थी कि मैं कहाँ जाऊँ, ना मेरा घर जाने का मन करता था, ना मेरी फैमिली थी, एंड आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन कि सब कुछ छोड़ के भाग जाओ। अरे क्यों भागेंगे, हमारे घर वालों ने सिखाया है हम डट के स्ट्रांग बन के रहेंगे। तो मैंने बोला, मेरे घर वालों ने बोले वापस आ जाओ, तो मैंने बोला मैं ऐसे वापस नहीं आऊँगी एंड देयर इज अनदर रीजन व्हाई सो मेनी थिंग्स वर देयर। सो आई वॉज लाइक अब अगर मैं यहाँ आ गई हूँ ना, देन आई हैव टू मेड इट थ्रू, आई हैव टू एंजॉय द गुड पार्ट ऑफ दुबई एज वेल। 2 years एंड नाउ इट्स बिन 9 months, एवरी सिंगल डे मेरा दिन शुरू होता है जय गुरु जी से एंड
रोज सुबह में उठती हूँ गुरु जी, मेरे मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था मैं रात को 2 बजे 2:30 बजे उठ के शिव पुराण पढ़ूंगी. इट इज अ बिग थिंग फॉर मी. यस आई लव रीडिंग, बट देन ऑन वन ऑफ द सत्संग दिलीप अंकल टोल्ड मी एंड ही केम टू मी एंड ही सेड, आई डोंट नो मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ एंड मैं तुमसे क्यों बात कर रहा हूँ, बट स्टार्ट रीडिंग शिव पुराण. एंड आई टुक दिस एज अ मैसेज फ्रॉम गुरु जी. एंड मैंने सोचा कहाँ से लाऊंगी, एक और मंजू आंटी उन्होंने मुझे शिव पुराण भी दे दी, शी वाज लाइक ये ले. एंड फ्रॉम दैट डे ऑन ही मेक श्योर कि मैं 2 बजे उठ जाऊँ, मैं 2:30 बजे उठ जाऊँ, मैं 2:50 पे उठ जाऊँ. मैं उनको बोल के सोती हूँ, एक दिन मैं इतना थक गई थी तो मैंने बोला पढ़नी तो पड़ेगी है ना, आप रोज बोलते हो, चलो आप देख लो मैं थोड़ा थक गई हूँ. मैं सोई और मैं सुबह सीधा 7:30 उठी. उन्होंने मुझे उठाया ही नहीं, बिकॉज ही नोज कि मुझे नींद की जरूरत है. ही नोज एवरी सिंगल थिंग. अब मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं बोलती हूँ गुरु जी यू नो फॉर एग्जाम्पल ऑफिस जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, मैं तो छुट्टी मार लूंगी आप देख लो. ही मेक्स श्योर कि मैं ऑफिस पहुंच जाऊँ, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है. देयर वाज अ टाइम जब मेरे वॉलेट में सिर्फ 20 दिरहम थे, 20 दिन मैंने ऐसे निकाले हैं. एंड ना मुझे अपने दिन सुबह के खाने का पता है, ना मुझे दोपहर के खाने का पता है. एंड आई वॉज दिस गर्ल की घर वालों को बोला आज स्कूटी चाहिए तो शाम को आ गई, आज लैपटॉप चाहिए तो रात को आ गया, यू नो लाइक दैट. आई हैव बीन ब्रॉट अप लाइक दैट. एंड अब मेरा ये हालत हो गई कि मेरे पास 10 दिरहम भी होते थे तो मुझे लगता था ओह माय गॉड एक दिरहम भी खर्च ना हो जाए मैं कैसे मैनेज करूंगी. बट देन ही होल्डेड माय हैंड ऑल द टाइम एंड आई पास दैट स्टेज. आज मैं सूटों की शॉपिंग करके आई हूँ, जय गुरु जी. एंड मैंने कभी नहीं सोचा था दैट आई विल बी स्पेंडिंग सो मच. आज मेरे अकाउंट में पैसे और मुझे समझ नहीं आता इतने पैसों का मैं क्या करूँ. मैं उनको ये बोल रही थी, मैंने कहा मैं क्या करूँ, और मैंने गुरु जी को बोला आपके दिए हुए हैं, सब आपका दिया हुआ है, आज है ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है. अब ये स्टेज आ गई है कि कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम सो टेंशन फ्री, आई एम सो केयर फ्री कि मुझे कुछ भी कोई भी बोलता है तो आई एम लाइक जय गुरु जी. कोई बुरा भी बोल देता है जय गुरु जी, कोई अच्छा भी बोल देता है जय गुरु जी, किसी से झगड़ा भी हो जाता है जय गुरु जी. मेरी रूममेट मुझे हजारों बातें सुना देती है तो मैं बोलती हूँ अच्छा मेरे कलम काट रहे हैं अपने ऊपर ले ले, कोई नहीं जय गुरु जी जय गुरु जी. मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं करती हूँ. एंड आई वॉज दिस गर्ल की अरे गलत कैसे बोल दिया, मतलब यू नो मैं कभी सुनती नहीं थी और अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि ओके जय गुरु जी. सो इट इज लाइक इट्स सच अ वंडरफुल थिंग टू हैपन इन लाइफ एंड बिकॉज ऑफ हिम एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड माई लाइफ हैज लिटरली टेकन अ न्यू टर्न एंड आई हैव अ न्यू लव इन लाइफ एंड आई एम सो हैप्पी. आई एम लाइक यू नो आई हैव दिस हैबिट दैट आई टॉक अ लॉट एंड व्हेन आई टॉक तो मैं अब मेरे दिल की सारी बातें बाहर आ जाती है. सो यस आई वांट टू अनाउंस दैट आई विल लव इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम बिकॉज आई नेवर थॉट कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है. यू नो बींग एट अ स्टेज वेयर एट दिस एज आई वॉन्टेड टू कमिट सुसाइड लिटरली एंड नाउ आई एम हियर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल टॉकिंग सो मेनी वंडरफुल थिंग्स. I got that confidence again. I'm happy again. I'm actually a very happy stage. And for all of, ऐसा नहीं है कि मेरे पास घर मिल गया है, बंगला मिल गया है, गाड़ी मिल गई है. It's just that I'm really overwhelmed with all the love that he is giving right now, and all this humbleness and love and care. I just wanted to tell you one thing कि अगर आप ना मिलते तो आई डोंट थिंक मैं इतना सर्वाइव कर पाती. एंड थैंक यू सो मच आपका इतने प्यार का और आई जस्ट कांट थैंक यू इनफ फॉर एवरी थिंग. आई लव यू सो मच एंड ऑफकोर्स एंड आई वॉन्ट टू ऑलवेज आई से दिस थिंग बट मैं कभी ये नहीं बोलती. आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द सेवादार्स क्योंकि सब लोग इतने हम्बल हैं, इतने स्वीट हैं, इतने नाइस हैं. एक्चुअली पूरे सत्संग में सब लोग दे आर वेरी वेरी नाइस. हर कोई हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहता है. हर कोई हमेशा आपको अच्छा वहाँ जाना है चलो मैं ले चलता हूँ. मैं एक्चुअली कई सत्संग में मैं ऐसे ही आ जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं होता मैं घर कैसे पहुँचूंगी. कोई ना कोई मिल जाता है चलो हम आपको ड्रॉप कर देते हैं यू नो, या कोई भी मिल जाते हैं चलो हम आपको ले जाते हैं. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम. आई नेवर थॉट कि मुझे दुबई आके इतनी वंडरफुल फैमिली मिलेगी. यू नो एवरी सिंगल पर्सन हियर आई वॉन्ट टू थैंक एवरीबडी स्पेशली सोनिया आंटी, नीति आंटी क्योंकि आपने कनेक्ट कराया गुरु जी से. और क्योंकि अगर आप लोग नहीं मिलते ना तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाती यहाँ पे. आई स्वेयर मैं नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा टाइम भी देखा है कि मैं पूरी रात रोती थी, पूरी रात मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बात करूँ. और घर वालों से इतना बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनको टेंशन नहीं दे सकते. एंड आई वॉज लाइक आई बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सन. मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद कभी भी वापस
जैसे मैं थी, अब जो मैं हूँ मैं ऐसे ही रही हूँ बचपन से, और मैं बिल्कुल चेंज हो गई थी। बहुत गलतियाँ की मैंने यहाँ आने के बाद, बहुत। लेकिन अगर आप लोग नहीं मिलते ना, तो शायद यू नो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी हु गेट कनेक्टेड थ्रू विद गुरुजी एंड थ्रू दिस वंडरफुल फैमिली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू यू नो हैंड होल्ड एवरीबडी। एंड किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हर हर कोई तैयार रहता है, हर कोई तैयार रहे बिना ये सोचे कि यू नो अगर हम इसकी हेल्प करेंगे तो हमारा क्या, समथिंग लाइक दैट, जो किसी के माइंड में थॉट आता भी नहीं है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि अपना अपनी प्रायोरिटी पीछे करके दूसरे की पहले हेल्प करते हैं, क्योंकि ठीक है तुम्हें हेल्प चाहिए ना, आई एम देयर, मैं करूंगी। और सब गुरु जी कराते हैं, एवरी सिंगल थॉट गुरु जी ही देते हैं, हम सबको कनेक्ट करते हैं। इतनी टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग है गुरु जी की कि अगर मैं घर पे बैठी हूँ और आंटी दूसरे घर पे बैठी हैं, गरिमा आंटी हैं, तो गरिमा आंटी जो सोच रहे होते हैं वो मेरे माइंड में चल रहा होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि वो कुछ सोच रही हैं और वो चीज मेरे दिमाग में चल रही होती है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। सो यस आई विल से दैट गुरु जी इज वंडरफुल, गुरु जी हैं तो हम सब हैं, गुरु जी हैं तो ये प्यार है, ये परिवार है। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी, टू गुरु जी, दैट दिस लाइफ इज अ वंडरफुल लाइफ। मैं हमेशा गुरु जी को बोलती हूँ कि अगर ऐसी ही, अगर आपको जिंदगी देनी है तो फिर ऐसी ही देना जैसे अभी चल रही है। सो थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोला आई थिंक, एंड लव, थैंक यू एवरीबडी फॉर सच अ वंडरफुल सत्संग, एंड आई लव यू ऑल, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, जय जय गुरु जी।